मैं बिग बाज़ार में और ये सौदा ख़रीदने के लिए आया हूँ। सैम्पलिंग आप देख लो, जो भी प्रोडक्ट हैं आपको जिसको देखना है, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। किस किस को चाहिए इस ब्लॉग में बताऊँगा सारी वेराइटी। और लव यू सभी को। तो पहली वीडियो में देखा अपना छोटे इस क्लिप में कुछ और यहाँ पे है बर्तन भांडे साफ़ करने के लिए, और कैमरा को इधर करूँगा। ये जो होता है ये मोस्टली लेडीजों का काम, लोग भी करने लगे, अच्छी बात है। तो टैन टैन आया ना ना ना, ये दिखाया पहले, कुछ और दिखाया था, बड़ी खुशी मिली थी, अब ये दिखाया मैंने आपको। ये झाड़ू पोछे का सामान है सारे का सारा। ये ब्लॉग पूरा करूँगा मैं अभी, ये दिख रहा हूँ ना। हाँ, तो ये वीडियो है लेडीज स्पेशल। ये बर्तन भांडे यहाँ पे जो कि रसोई में यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, और इस ब्लॉग में शायद मैं ऐसी ही वीडियो दिखाने वाला हूँ शायद, लेडीज स्पेशल। बाकी मर्दों की कोई चीज़ आ सकती है, वैसे मर्द भी खाना खाते हैं। तो ये बर्तन भांडे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो लेडीजों को ज़्यादा नॉलेज होती है इनकी, तो किचन में यही इस्तेमाल होता है। उसके बाद मैं आता हूँ कहीं और। काश ऐसी फैमिली, मज़ा आता ना। देखिए कैसे रहे लड़के, टैन टैन। अभी हो गया वीडियो पे सच्ची में। हाय, मैं हूँ रिकी शर्मा, और मैंने मास्क डाल लिया, लेकिन मास्क नहीं रहना चाहिए। और मॉल के अंदर, यहाँ पे बिग बाज़ार में मुंबई के अंदर कौन सा मॉल है मुझे नहीं पता, और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ ऐसे मार्केट में। मास्क लगाना पड़ेगा, मेरी आवाज़ मुँह के ऊपर जो टांग का कैमरा पीछे देख। ओके, हाय, मैं हूँ रिकी शर्मा, और ब्लॉग बनाते बनाते वक्त करते करते मुंबई के मॉल में, यानी बिग बाज़ार। बिग बाज़ार काफ़ी टाइम से नाम सुनता था बिग बाज़ार में, दिल्ली में भी शॉपिंग करता था बिग बाज़ार में, और यहाँ पे भी आया बिग बाज़ार में। लेकिन अभी मेरे को पता नहीं मेरे को क्या पसंद आएगा क्या नहीं, वो तो बाद में देखूँगा। पहले मैं यहाँ पे, ये फूड होगा मेरे, सॉरी फूड का, ये नॉन फूड सेक्शन है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगा। तो कॉस्मेटिक का ही फल कुछ यहाँ पे है, देखो इधर डाउ, तो वैसे डाउ है ना लड़कियाँ ज़्यादा यूज करती हैं, मोस्टली लड़कियाँ यूज करती हैं। और डिटॉल तो क्या बोलते हैं, आम नॉर्मली सब करते रहते हैं। ये वीडियो या फिर फोटो है? ओके, लक्स भाई, ये साबुन ना मैं बहुत पहले से यूज़ करता है, इस पे आया था कि रियलिटी शो डांस ने डांस, लेक्स परसेंट उसने काफ़ी पैसा लगाया था, पैसा कमाया भी था, उसको भी कभी हुआ था। और उसी के चलते चलते मैं यहाँ पे आ गया इधर मुंबई के इन मॉलों में, धक्के खाते खाते। ये तो किस किस ने पहना होगा भाई, ये तो मैं बच्चा था तब मैंने तो पहना ही नहीं। ये वाओ, आपके घर में कौन सा कुत्ता है? ये आपके कुत्ते के लिए, ठीक है। कुत्तों की फ़ोटो भी आजकल ना इसके ऊपर है कि म्याऊँ, ये बिल्ली किसी से घर पे, ठीक है। तो अगर जिससे घर पे बिल्ली है, ये क्या प्रिल, ये बर्तन साफ करने का, सभी को पता है यार ये क्या, मतलब कि ये सुनो सुनो सुनो, ये आया मज़ा 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 यहाँ पे। ये रुआ भुजा मैं पीता था पहले, और ये पता नहीं टाइम, अच्छा यहाँ पे आते हम सब कुछ तो पानी करते हैं, तो अभी देखा जाए तो थम्सअप ने कोक को पीट दिया, नहीं कोक ने थम्सअप ने कोक ने इसको पीट दिया, कोक ना कोक रोनाल्डो ने कोको को पीट दिया। तो कोको ये है कोक, और ये सभी एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं, मतलब ये भी इसी का, इसी है कोक का कोक, उसके बाद थम्सअप, इसके बहुत सारे एक्सक्यूज नहीं एक्सक्यूज। और फिर आती है पेप्सी को, ये फैंटा भी नहीं, फैंटा